सेक्टर से ये बड़ी खबर, जहां गिरफ्तार आतंकी बाबर ने कैमरे पर पाकिस्तान की पोल खोली। अपने कबूलनामे में बाबर ने कहा है कि उसे उरी जैसे हमले के लिए भेजा गया था, पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी थी, आईएसआई ने पैसा भी दिया था और उरी जैसी साजिश थी जिसके लिए अली बाबर को भेजा गया था। कैमरे के सामने उसने पूरा ये कबूलनामा दिया है। पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी थी, यह आतंकी बाबर ने कहा है और कुछ देर पहले ही उसने ये अपना कबूलनामा किया। आईएसआई ने रुपयों का लालच दिया था, घुसपैठ के वक्त आतंकी पकड़ा गया। तो आतंकी बाबर का ये कबूलनामा आपने सुना, कहा कि बड़ी संख्या में घुसपैठ की कोशिश और उसके बाद उरी जैसे हमले की साजिश और इसके लिए आईएसआई ने पैसे का लालच दिया, पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी और कबूलनामे में क्या बड़ी बात है वो आपको बता रहे हैं। लश्कर तैयबा से जुड़ने के लिए आईएसआई ने 20,000 रुपए दिए। कबूलनामे से जुड़ी हुई ये 10 बड़ी खबरें। फैक्ट्री में काम करने के दौरान लश्कर के आतंकी से मुलाकात भी हुई, लगातार इन तमाम आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा था। अनाथ और गरीबों को जिहाद के लिए तैयार कर, महज 19 साल है, इन जैसे तमाम ऐसे लड़के हैं जिनको ट्रेन किया जा रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, अभी क्या ताजा अपडेट्स हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले पूरा कबूलनामा और आतंकी बाबर ने खुद पाकिस्तान की पोल खोल दी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके की खुफिया जानकारी सुरक्षा बलों के पास है उसके अनुसार बाबर एक जिंदा सबूत हमको मिला है, जिसके जरिए ये दुनिया को बताने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो विभिन्न सक्रिय मिलिटेंट संगठन है उनके जो कैंप्स हैं वो बिल्कुल काम कर रहे हैं, उनका जो नेटवर्क है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन इसकी आशंका बहुत पहले ही जताई गई थी कि अफगानिस्तान में आए बदलाव के बाद जो पाकिस्तान में इंडिया स्पेसिफिक मिलिटेंट संगठन सक्रिय हैं वो उसका फायदा उठाकर और ज्यादा इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और ठीक एक महीने के भीतर ही एक बड़े ग्रुप ने 3 बार घुसपैठ की कोशिश की है, जिसमें से अभी तक सुरक्षा बलों ने 5 मिलिटेंट्स को तो सरहद पर मार गिराया है। लेकिन सुरक्षा बलों का ये आंकलन है कि अभी भी 100 से लेकर 150 मिलिटेंट विभिन्न लॉन्च पैंट पर लगातार बैठे हुए हैं और वो इस फिराक में है कि वो घुसपैठ करके कश्मीर में आए। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके का माहौल अब पाकिस्तान में दोबारा बना है और जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान कश्मीर में सक्रिय मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट कम करेगा, लेकिन अब अफगानिस्तान में आए बदलाव और पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से जो कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ बड़ी संख्या में पाकिस्तान में युवाओं को कश्मीर के जिहाद के लिए तैयार किया जाए बल्कि उनको कश्मीर भेजकर यहां पर भी एक बार फिर हिंसा के लेवल को उसी जगह तक पहुंचाया जाए जो एक साल पहले था। क्योंकि पिछले एक साल में लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बड़ी संख्या में ना सिर्फ मिलिटेंट मारे गए हैं बल्कि उनके कमांडर्स का भी सफाया किया गया है और इसी को देखते हुए आशंका जो थी
ये बड़ी संख्या में जो वहाँ पे पाकिस्तान में युवा है उनका ब्रेन वॉशिंग करके कश्मीर जहाज के लिए तैयार करने की कोशिश की जा रही है, उसी का एक जिंदा सबूत बाबर अली के तौर पर सुरक्षा बलों के हाथ लगा है, जिसको मीडिया के सामने पेश किया गया और जिसने खुद अपनी अपनी जबान में बोला कि किस तरीके से उसको रिक्रूट किया गया और किस तरीके से कश्मीर आने के लिए मोटिवेट किया गया। बिल्कुल आसिफ, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। ABP News आपको रखे आगे।